मैं रोहित, आज मैं आपके पास नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आज हम शीर्षासन करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी इजी स्टेप्स बताऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए। शीर्षासन हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि माइग्रेन की प्रॉब्लम, टेंशन, एक्टिव, और ये हमारे लोअर बैक को भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, और ये हमारे दिमाग के ब्लड को सर्कुलेट करता है, और ये हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स, अब हम इसको करते कैसे हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे आपको प्रैक्टिस जब तक आपकी परफेक्ट ना हो, जब तक शीर्षासन आप सही से प्रैक्टिस ना कर लें, इसको एकदम से ट्राई मत करना, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा चोट और इंजर्ड भी हो सकते हो। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करो कि आपको मेरा कौन सा सेशन अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं नाउ। आपने देखा, मैंने आपको ये शीर्षासन के कैसे स्टेप बाय स्टेप इजी स्टेप्स बताए हैं, क्या आपने मेरे साथ करा? अगर नहीं करा तो कमेंट में करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा वीडियो लगा, ताकि मेरे को भी पता लगे आपको मेरा कौन सा सेशन अच्छा लगा। ये आप जो भी आप रेगुलर वर्कआउट करते हो तो मॉर्निंग में इसे भी एड ऑन कर लोगे तो आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो आप इसे मॉर्निंग में ही ट्राई करना, तो मॉर्निंग में ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव रखेगा, और बहुत ज़्यादा आपकी टेंशन को रिलीव करेगा, और हमारी लोअर बैक को बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल बनाता है। तो मैंने जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताए हैं, और एक और बात ध्यान रखनी है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप पे ये परफेक्ट ना हो जाए ये प्रैक्टिस करके, तभी ट्राई करना है। जब आप परफेक्ट हो जाए, नहीं तो आपके चोट भी लग सकती है सर, आप इंजर्ड भी हो सकते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।